नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद और नतीजों के सामने आने के बाद अब देश को नई सरकार मिल गई है। एक बार फिर देश में NDA की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है। लेकिन इस बार की सरकार 2014 और 2019 की मोदी सरकार से काफी अलग है, क्योंकि इस बार हालात पिछले दोनों बार से काफी अलग है। इस बार ये मोदी सरकार कम बल्कि NDA सरकार ज्यादा है, क्योंकि इस बार की सरकार में NDA के सहयोगियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान खुद BJP और PM मोदी द्वारा भी रखा गया है, जिसकी झलक शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिली, जहां सहयोगियों को फुल इज्जत दी गई। यही कारण है कि इस बार की मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार साहेब या छोटे साहेब की मनमानी नहीं चल पाएगी, ना ही हर फैसला एक बंद कमरे में तारा और सितारा की जोड़ी ले पाएगी, क्योंकि अगर कोई सहयोगी नाराज हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा और सरकार पर संकट बन जाएगा। वैसे भी कई लोगों का ये मानना है कि इस सरकार का पूरे 5 साल चलना मुश्किल है और नरेंद्र मोदी का पूरे 5 साल प्रधानमंत्री बने रहना भी काफी कठिन है। यही कारण है कि मोदी ने इस बार सहयोगियों के साथ साथ अपने का भी खास ध्यान रखा है, क्योंकि इस बार सिर्फ सहयोगी ही नहीं पार्टी के अंदर भी बाकी नेताओं के तेवर बदले रहेंगे। इस बार NDA लगातार तीसरी बार सत्ता में आई जरूर है, लेकिन भाजपा की घटक दलों पर निर्भरता काफी है। उनके साथ तालमेल बनाकर चलने की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल समझौतावादी जनादेश के साथ शुरू किया है। नतीजतन मोदी के 72 संसदीय नए मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगियों के 11 मंत्री हैं। साथ ही देश को मजबूत विपक्ष मिला है। नीतियों को लागू कराने के दौरान सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। मजबूत विपक्ष सामने है, इससे विपक्ष और असहमति जताने वाली आवाजों को कुछ राहत मिलेगी। सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए आगे का रास्ता अवसरवादी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों और संघर्षों में निहित राजनीति होनी चाहिए। इस स्थिति में संयमित प्रशासन की उम्मीद जगाई है। यही सब कारण है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और वो PM भी बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 5 साल तक ये गठबंधन की सरकार चला पाएंगे? क्या अपनी मर्जी चलाने वाले नरेंद्र मोदी गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चल पाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी भी गठजोड़ की सरकार का नेतृत्व नहीं किया है। मोदी ने गुजरात में 2001 से 2014 तक और पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा बहुमत वाली सरकारें चलाई हैं। इसलिए मोदी के लिए इस बार ये गठबंधन की सरकार चलाना और सबको साथ लेकर चलना और संतुष्ट रखना कितना मुश्किल होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वही मोदी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में भाजपा तक को साइडलाइन करने का प्रयास किया और हर वक्त सिर्फ मोदी मोदी का ही गुणगान किया। फिर वो चाहे BJP का घोषणा पत्र हो या फिर चुनाव के दौरान BJP नेताओं का चुनाव प्रचार, हर जगह BJP नहीं बल्कि मोदी की गारंटी, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा, यही सुनाई देता रहा। खुद नरेंद्र मोदी भी यही कहते रहे और BJP के बाकी नेता भी। ऐसे में अब गठबंधन की सरकार चलाना मोदी के लिए मुश्किल रहने वाला है। बेशक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने PM रहने के दौरान 1996, 1998 और 1999 में गठबंधन सरकार चलाई, लेकिन मोदी शाह के रूप में आई ये गुजरात लॉबी कैसे सरकार चलाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बैसाखी के सहारे बनी इस सरकार में सहयोगियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और इसका अंदाजा खुद नरेंद्र मोदी को भी है। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट में भी इसकी एक झलक देखने को मिली, जहां सहयोगियों के साथ साथ अपनों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास किया गया। PM मोदी का नया मंत्रिमंडल निरंतरता के साथ साथ सावधानी का भी संकेत देता है। उन्होंने ये दिखाने के लिए अपनी कई पुरानी और अनुभवी सहयोगियों को बरकरार रखा कि स्थिति राजनीतिक रूप से स्थिर है और इस पर उनका नियंत्रण है। जब वो सहयोगियों के साथ एक नई स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपनी पार्टी के भीतर किसी भी तरह के झगड़े का जोखिम नहीं उठाना चाहते। हालांकि 5 साल तक ऐसे ही बनाए रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही NDA की सहयोगी NCP केंद्रीय मंत्री का पद ना मिलने से नाराज हो चुकी है, जिसके चलते उसने राज्य मंत्री का भी पद ठुकरा दिया और अभी तक वोटिंग मोड पर है। वहीं 16 सांसदों वाली TDP और 12 सांसदों वाले JDU को भी 5 साल तक बनाए रखना मोदी शाह के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ही PM मोदी से उतार चढ़ाव वाले रिश्ते रहे हैं और दोनों ही NDA से अलग भी हो चुके हैं। इसलिए आगे ये क्या करेंगे इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। नीतीश कुमार तो कब नाराज हो जाए और उनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाए, इसका तो कोई पता ही नहीं है। बेशक इन दोनों के ही आसपास संयुक्त मोर्चा सरकारों और वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में शासन करने का लंबा अनुभव है। चंद्रबाबू नायडू हमेशा एक शांत प्लेयर रहे हैं और अपने राज्य और उसकी राजधानी के लिए वित्तीय पैकेज की तलाश में है। फिर भी अजीब है कि वो 16 सांसदों के बावजूद केवल एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद के लिए सहमत हुए हैं। इतना ही नहीं, संख्या नीतीश कुमार की JDU को दी गई है।
सवाल ये है कि क्या नायडू अभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए जोर लगा रहे हैं या क्या वो अपने राज्य के लिए वित्तीय लाभ से संतुष्ट होंगे। इसलिए इन दोनों का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि शुरू में जैसी जानकारियां सामने आ रही थी उसके मुताबिक टीडीपी 6 से 7 मंत्री मांग रही थी, लेकिन अब जब उसे सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री ही मिला है तब टीडीपी ने ये डील किस फॉर्मूले के तहत फाइनल की है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। क्या टीडीपी को इन दो मंत्रियों के साथ लोकसभा स्पीकर का भी पद मिल रहा है? दरअसल गठबंधन सरकार में स्पीकर एक महत्वपूर्ण पद होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका स्पीकर उसकी सरकार, यानी जिस पार्टी को स्पीकर का पद मिलता है वो सरकार का भाग्य अपने हाथ में रखती है। इसलिए टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है। अब किसे मिलेगा ये भी आने वाले दिनों में फाइनल हो पाएगा। बहुमत के बिना सत्तारूढ़ दल के लिए बहुमत हासिल करने के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ना आश्चर्य होगा। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने 1991 में 240 सीटें जीती थी, 2 साल बाद छोटी पार्टियों को तोड़कर बहुमत हासिल कर लिया। फिलहाल जदयू भी दिल्ली और बिहार में अपने को मजबूत करना चाहेगा और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए संभव है कि आने वाले दिनों में नीतीश बाबू कोई नया खेला कर दें। वहीं बैसाखियों पर खड़े होने के बाद अब नरेंद्र मोदी की भी भाषा बदली है, जो कि बदलना स्वाभाविक है। तभी तो हमेशा मोदी मोदी का दंभ भरने वाले पीएम मोदी ने खुद स्पष्ट किया है कि ये सरकार मोदी या भाजपा सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। शुरू से ही एनडीए को प्राथमिकता दी गई। राजनाथ सिंह ने एनडीए संसदीय दल के नेता, भाजपा संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में पीएम मोदी का नाम प्रस्तावित किया और अमित शाह व नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया। पहले बीजेपी संसदीय दल के नेता का चुनाव एनडीए के नेता के चुनाव से पहले होता था। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को चुनने का प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार भी छोड़ दिया, जो गठबंधन सरकार में पहली घटना है। पहले की तरह गठबंधन सहयोगियों के नेताओं ने अपनी पार्टियों से उन लोगों के नाम भेजे जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी थी। एनडीए 3 में जो भी मंत्री बने उन सभी को बुलाते हुए जेपी नड्डा समन्वयक की भूमिका निभाते नजर आए। साथ ही इस बार की सरकार में पिछले 5 साल से हाशिए पर खड़ा संघ भी एक बार फिर हावी रहेगा, क्योंकि इस बार गुजरात लॉबी की नहीं चलती है। इस बार संघ हर फैसले में अपनी राय रखेगा और संगठन व सरकार दोनों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहेगा। इस बार बैसाखियों के सहारे खड़ी गठबंधन सरकार में पीएम मोदी को 3 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिलना कहानी का केवल एक हिस्सा है। वही संभव है कि इस सरकार में मोदी शाह की इच्छाएं उतनी ही नहीं चलेंगी, जिसके कारण उन्हें अपने कई फैसलों में बदलाव करना पड़ेगा और कई फैसले अब वो नहीं कर पाएंगे जिसका प्लान बनाकर मोदी शाह चुनाव मैदान में उतरे थे। इसका असर भी अभी से ही दिखने लगा है, क्योंकि सहयोगियों ने बीजेपी को से अग्निवीर योजना पर विचार करने को कह दिया है। सहयोगियों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा पर जोर दिया है, जो उत्तरी राज्यों में एक भावात्मक मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है और इसमें बदलाव की संभावना है। साफ है इस योजना को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने चुनाव में भी इसका लाभ उठाया। इसके अलावा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को भी ठंडे बस्ते में डाले जाने की संभावना है। वहीं अब एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना भी मुश्किल हो गया है। ये देखना बाकी है कि बीजेपी नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग से कैसे निपटती है। हिंदू मुस्लिम बयानबाजी भी कम से कम कुछ समय के लिए पीछे रह सकती है। टीडीपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों के लिए मौजूद 4% आरक्षण को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। प्रचार अभियान के दौरान भाजपा ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने पर तीखा हमला बोला था। एक और जहां मोदी को इन सहयोगियों के चलते अभी इन इच्छाओं को मानना पड़ेगा और अपनी योजनाओं में तब्दीली लानी पड़ेगी, वहीं दूसरी ओर इस बार लोकसभा में विपक्ष से भी कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि इस बार विपक्ष पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। सदन में 232 सदस्यों के साथ जोरदार शोर शराबा हंगामेदार और सरकार को मुश्किल में डालने वाला होगा। बिना चर्चा के कानून पारित करना या सदस्यों को अयोग्य घोषित करना और निलंबित करना अधिक कठिन होगा, जैसे कि पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर पीएम मोदी को काम करना होगा वो उनकी पार्टी और आरएसएस है। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संघ के आला अधिकारियों के बीच बैठकें और आरएसएस नेतृत्व की आंतरिक बैठकें देखी गई, जिसमें भाजपा की 60 से अधिक सीटों की गिरावट के कारणों पर चर्चा की गई। लेकिन भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेता चुप हैं और इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले राज्य चुनावों और शायद अगले साल दिल्ली और बिहार में होने वाले चुनावों के नतीजों तक इंतजार कर सकते हैं। इन सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन से एनडीए को गंभीर चुनौती मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी को इन राज्यों में राजनीतिक पहल को फिर से समझने और जहां आवश्यक हो सही दिशा में कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। साफ है पीएम मोदी के लिए इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी कांटों भरी है, जिस पर फिलहाल वो बैठे तो हैं लेकिन अब 5 साल निपटाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे 4PM। धन्यवाद।
हैं।